अगले 24 घंटे के लिए आपका भाई एक डिलीवरी राइडर बन चुका है। ये फूड पांडा वाले भाई हमारी हेल्प करने वाले हैं हमारे 24 आवर डिलीवरी बॉय के चैलेंज में। अब देखते हैं कितना पैसा कमाते हो यार, आप कितना पैसा कमा लेते हो दिन में? 10-15 सौ 2000 तक हो जाता। आज मैं भी आया हूँ ना, आज देखना आप कितना कमाओगे। आप अभी एक ऑर्डर भी आ गया। ऑर्डर भी आ गया इतनी जल्दी? अभी वीडियो स्टार्ट की, ऑर्डर भी आ गया। चलो भाई, केक वेक लेना है शायद बेकरी से और देना है यहीं कहीं है। चलो फौरन से निकलते हैं। पहला ऑर्डर लग गया है भाई, वो पिक करने जा रहे हैं। और भाई 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 बहुत खुशी हो रही है यार, मतलब फौरन से ही पहला। मुझे लगा था नहीं लगेगा ऑर्डर इतनी जल्दी। और ऐसी तपती हुई धूप गर्मी हो रही है ना, आज हमारा टारगेट ये है अच्छे खासे पैसे कमा के देने इन भाई को, और देखते हैं एंड में हमारी कितनी अर्निंग हो जाती है इससे। फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, अब जल्दी से ऑर्डर पिक करते हैं और जिसका भी ऑर्डर है उस तक पहुंचाते हैं। 3 मिनट के अंदर पहुंचाना है। 3 मिनट के अंदर पहुंचाना है, फौरन फौरन करना पड़ेगा यार। ये ऑर्डर भाई हमने पकड़ लिया, 1200 रुपए का ऑर्डर है और जल्दी से 3 मिनट में पहुंचाते हैं। भाई यार तपती हुई धूप हो रही है। ऑर्डर पिक करा और भाई वाकई में तपती हुई धूप हो रही थी, लेकिन हार नहीं माननी, लेट्स गो। अबे भाई इतना बड़ा बैग पकड़ा हुआ है मैंने, अपने से भी बड़ा। मुझे तो लग रहा है बैग समेत मैं ही ना लुढ़क जाऊं। जगह देखो पीछे कितनी भी बची हुई है। ऑर्डर तो पिक कर लिया, लेकिन भाई जिस बंदे को ऑर्डर देना है वो मिल ही नहीं रहा था यार, एड्रेस मिल नहीं रहा। मसला ये है, बाकी हम लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं। अबे यार लेट ना हो जाए, 3 मिनट का टाइमर था तकरीबन, हमें 5-6 मिनट तो हो ही गए, कॉल भी नहीं पिक कर रहे यार। मेन रोड पे हम तो गली में आ गए यार, आगे कहीं रोड पे बोल रहे हैं। भाई फूड पांडा वाले भाई जाएंगे अंदर, क्योंकि लेडीज की कॉल आई थी। ब्लॉग वगैरह तो नहीं बना सकता, लेकिन हमने ऑर्डर पहुंचा दिया इस जगह पर। बाकी अभी हम नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ जाएंगे। ये तो लेडीज वगैरह थी तो उनको हमने पहुंचवा दिया। हमारी सवारी बिल्कुल रेडी है अभी। भाई 1200 रुपए का ऑर्डर था, इसमें आपको प्रॉफिट कितना हुआ? मेरे को अभी जो इसकी राइड मिली है वो 51 रुपीज है। 51 रुपीज का हमको अभी प्रॉफिट हो चुका है। अब जल्दी जल्दी से नए नए ऑर्डर पकड़ते हैं, अभी तो काफी टाइम है, इफ्तारी तक हम लोग जारी रहेंगे। ओ भाई फाइनली एक और ऑर्डर आ चुका है हमारा, अब बस वो पिक करने जा रहे हैं। एक ऑर्डर दिया फौरन दूसरा आ गया, देख रहे हो बरकत हो रही है आज। फाइनली ऑर्डर पिक करने भी हम आ चुके हैं, लेकिन लेके बहुत दूर जाना है यार, गर्मी भी बहुत खतरनाक हो रही है। सब सही चल रहा था, लेकिन ये जो हुआ ना ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। ऑर्डर पिक करके फाइनली पहुंचे हैं और यहाँ पे यही की लोकेशन दिखा रहा है ना, यही बिल्डिंग कहीं दिखा रहा है, और वो बंदा अब कॉल भी नहीं उठा रहा है। कहाँ इसका ऑर्डर कहाँ है? क्या मुसीबत है यार, इतनी मुश्किल से आए इधर तक पहुँचे और अभी यही कहीं की बिल्डिंग दिखा रहा है, और पता नहीं बंदा भी किधर शॉर्ट है। दोबारा कॉल करके ट्राई करें, उठाता है कि नहीं उठाता। अगर ये कॉल वॉल नहीं उठाता और ये फिर ऑर्डर क्या होगा इसका? कैंसिल हो जाएगा। उसके पैसे भी इसको कॉल करेंगे, उसके पैसे कौन देगा? उसके पैसे हमारी जेब से जाएंगे, अगर ये नहीं हुआ ना तो 400 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इतना अभी एक ऑर्डर लगा था, प्रॉफिट नहीं बना, इतना नुकसान हो जाएगा। नहीं उठा रहा, ये किसी ने हमारे साथ लग रहा प्रैंक कर दिया है। और ये मेरे ख्याल जूस है, ये देख सकते हो तुम लोग, जूस है। और यही कहीं गली बता रहा था, लेकिन ये तो कोई गंदी गली है, इधर तो किसी का घर ही नहीं है। ये 400 रुपए का हमारा नुकसान हो गया, पहला प्रॉफिट ही हमारा कोई 50 रुपए का बना था, कुछ नहीं कर सकते। चलो ये तो अक्सर होता रहता है, लोग अक्सर फेक ऑर्डर भी कर लेते हैं ना, कि दूसरों को तंग करने के लिए। तंग नहीं किया, ये कोई पहला ऑर्डर नहीं है। और मेरी पूरी आवाम से रिक्वेस्ट है, पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि भैया आप इस तरह नहीं किया करो। हमारा पेट्रोल भी जाता है, पेट्रोल के पैसे भी कंपनी हमें नहीं देती, और ये ऑर्डर के पैसे भी हमारे गले पड़ जाते हैं। ये तो गलत है यार। चलो अभी हम इसको रखते हैं, इसका अब क्या ही कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर आता है तो फिर वो लेने चलते हैं। मुझे और इन भाई को काफी बुरा फील हुआ इस चीज के बाद, लेकिन इस ऑर्डर के पैसे मैंने अपने पास से दे दिए थे, और इसी तरह हम लोगों की हेल्प करेंगे। सैटरडे 1 अप्रैल यानी कि आज रात 10 बजे आपका भाई लाइव आने वाला है, और लाइव लोगों की हेल्प करने वाले हैं, और 24 आवर चैलेंज भाई लाइव पे होने वाला है। पिछली बार लाइव स्ट्रीम में काफी मसले हो गए थे तो नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार जरूर होगी, और भाई भरपूर गिव अवे भी होंगे तुम लोग के लिए। तो पहुंच जाना आज रात 10 बजे वैम्पायर वाईटी यूट्यूब चैनल पर ही। 1 अप्रैल को भाई लाइव आऊंगा ही, लेकिन भाई 2 अप्रैल को भी मैं लाइव आने वाला हूं, तो भाई सब लोग पहुंच जाना, बहुत मजा आने वाला है दोनों दिन लाइव स्ट्रीम पर। उस ऑर्डर के बाद एक और ऑर्डर हमें मिल चुका है, फाइनली ये भाई लेके आ रहे हैं। एक और ऑर्डर आ गया, पहले आप लेकर भी आ गए। चलो बस अब पिछली बार की तरह वो ना हो कि बंदा ही गायब हो गया। नहीं नहीं बंदा गायब नहीं हो गया। इस बार क्या लाए हो, इफ्तारी लाए हैं किसी की? तो चलो बस अब ये भी निपटाते हैं जल्दी जल्दी, मेरी तो सांस फूल रही है, पता है रोसे में ये सब करना ना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ बना ले। अब ये भी ऑर्डर पिक कर लिया है भाई ने, मेरा तो दिल टूट गया था उसके बाद, जब बंदा ही नहीं मिल रहा था यार वो ऑर्डर करने के बाद, लेकिन फिर भी भाई ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी जेब से हमें देना पड़ गया था उसका, पता नहीं वो कौन बंदा था। खैर अभी इफ्तारी है किसी की, थोड़ा सा दूर देनी है, लेकिन ये दे के रहेंगे, बहुत हो गया। अबे शिट यार, यहाँ तो ट्रैफिक इतना है, टाइम पे कैसे पहुंचेंगे हम यार?
बहुत ट्रैफिक है, लग रहा है ये ऑर्डर भी कैंसिल होगा और जेब से ही भरना पड़ेगा। तो भाई हालत खराब हो रही है, इन भाई का भी रोजा है और मेरा भी। बस अब इफ्तारी हो जल्दी से और इफ्तारी करे बंदा। मैं तो यार तीसरे ऑर्डर में ही थक गया। वैसे भाई किस तरह करते होंगे पूरा दिन, मुश्किल काम है यार, बहुत मुश्किल काम है। अब से घूम रहे हैं यार इधर से उधर, बड़ी कच्ची आबादी से गंदा सा रोड है और यहाँ पे एक ऑर्डर है जो कि इफ्तारी का हमें देना था, वो अब देते हैं। पता नहीं यहाँ कहीं कोई बिल्डिंग है। बिल्डिंग में पहुँच कर भाई पता चला 7th फ्लोर पे जाना है, तो लिफ्ट से जाएंगे। 7th फ्लोर पे पहुँचने के बाद भाई बंदा ही शार्ट, मुझे डर लग गया वही सीन ना हो जाए। एक तो इतने सारे फ्लोर है, मिल ही रहा, पता नहीं कहाँ से कहाँ पे देना है ऑर्डर, आगे पता नहीं कौन सा हॉरर सीन। फिर सांस में सांस आई, बंदा मिल चुका था, हमने उसको ऑर्डर दे दिया, लेकिन फिर कुछ गलत सीन हो गया यार। उस बंदे के पास खुल्ले ही नहीं थे और खुल्ले की वजह से हम लोग बिल्कुल पूरा नीचे गए। खाना जो भी था भाई हमने उनको पहुंचवा दिया, लेकिन यार टाइम बहुत लग गया यहाँ पे ना, टाइम बर्बाद हो गया, उनके पास खुल्ले नहीं थे, तो इस वजह से इधर उधर वो जाके खुल्ले लाया, आधा एक घंटा इधर ही बर्बाद हो गया। कब से ऊपर इधर से उधर घूम रहे थे। अब नेक्स्ट डिलीवरी की तरफ चलते हैं और इफ्तार का भी टाइम होने वाला है। यार ये अभी हमने ऑर्डर दिया है यहाँ पे, लेकिन बड़ी गंदी सी कच्ची सी आबादी है, तो अगर यहाँ पे हमारा मोबाइल छिन जाएगा तो वो मोबाइल आपको ये डिलीवरी ऐप वाले देंगे आप? नहीं नहीं देंगे, नहीं ये डिलीवरी वाले नहीं देंगे भाई। ये तो मोबाइल तो कभी भी छिन सकता है, जिस तरह कराची के हालात हैं, हम लोग वीडियो बनाने से इतना डरते हैं, और इनको तो मोबाइल ये सामने रखना होता है, ये सामने रखना पड़ता है, ऐसी आजकल कराची के हालात तो तुम लोग को पता ही है। ऑर्डर अगर कैंसिल हो गया है तो इसके पैसे भी हमारी जेब से जाएंगे, और मोबाइल जो छिन गया तो मोबाइल के पैसे हमें कंपनी नहीं देती, मोबाइल के पैसे हमारी जेब से ही जाते हैं, चाहे वो 10,000 का हो, 20,000 का हो, या लाख रुपए तक का भी मोबाइल हो, तो वो हमारे। और नेट भी इनका अपना ही होता है, हर जगह जा भी जाते हैं, नेट भी हमारा अपना होता है, फ्यूल भी हमारा अपना होता है, फ्यूल भी अपना होता है, कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती, बाइक भी हमारी है, कुछ भी कभी भी छिन सकता है। क्या बोलूं अब मैं, क्या ही बोलूं, बंद कर दे इससे पहले हमारा भी सेटअप ना छिन जाए। कैमरामैन दूसरा बाइक पे बना रहा है, बंद कर दे भाई, डर लगता है हमें। फाइनली पेट्रोल पंप के करीब आए, रश चेक करो तुम लोग कितना हो रहा है, 10 साल बाद नंबर आएगा यार, 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं फिलहाल तो, क्योंकि इतना हमें अभी प्रॉफिट ही नहीं हुआ जो हम खर्च कर सके। धूप ऐसी कड़कड़ाती हुई हो रही है ना, मैं तो 3 ऑर्डर में ही थक गया हूँ, 3 भी क्या, 2 ऑर्डर तो हुए, बाकी तीसरे ने तो खार करवाए करवाए। आखिर ऑर्डर आ भी गया, आ ही गया यार, एक ऑर्डर आ चुका है, ये यहीं से उठाना है, इधर करीब से ही, और इधर करीब में ही ये तो अब डर लग रहा है यार, ये कैंसिल ना करते बार बार हर कोई। वैसे अभी हमें कितना प्रॉफिट हो गया, सक्सेसफुल हमारा सिर्फ 2 ऑर्डर हुए हैं, और बाकी कितना प्रॉफिट हुआ इन 2 ऑर्डर? एक मिनट, 2 ऑर्डर का मुझे देखने देना, बहुत कम पेमेंट बनी है, 150 रुपए, 150 रुपए लगे हैं और 400 रुपए तो जाया हो गए हमारे। हाँ। देख रहे हो लॉस 400 रुपए का, 150 रुपए का प्रॉफिट, भाई क्या ही बोलूं मैं, और रिक्स इतना है ना इस चीज में, बहुत ज्यादा रिक्स है, लेकिन फिर भी हम निकल पड़े ऑर्डर लेने। चलो फिर अब मेरे ख्याल गोलगप्पे वगैरह का ऑर्डर लगा है, जो कि हमें काफी दूर लेके जाना है, इफ्तारी में भी टाइम कम रह गया काफी, फौरन से पकड़ते हैं, फौरन से वो बन के भी है, गोलगप्पे तो रेडीमेड होते हैं ना, इनको बनाने की भी जरूरत नहीं है, फौरन पकड़ते हैं और छोड़ के आते हैं जल्दी से। चलो चलो भाई, चलो 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 चलो, ये सही सिस्टम है, कब से मैं पकड़ के बैठा हूँ, ये आइडिया तो मुझे आया ही नहीं। ऑर्डर लेके अपनी मंजिल की ओर हम निकल पड़े, और भाई इस चैलेंज में मैंने ये रियलाइज किया कि ये डिलीवरी बॉय हमसे अनगिनत मेहनत करते हैं भाई, जो हम सोच भी नहीं सकते। फाइनली इस जगह पर पहुंच चुके हैं, ये भी इलाका टाइप सा ये मुझे लग रहा है, काफी लोग यहाँ पे जमा है, तो यहाँ पे मसला नहीं होगा, यहाँ पे कोई सही बंदा होगा जिसने भी ऑर्डर किया होगा, वो तो एक गंदी गली सी थी जहाँ पे ऑर्डर कैंसिल हो गया था हमारा। गोलगप्पे वाह भाई वाह, ये कस्टमर भी आ चुके हैं भाई, पैसे ले लिए भाई, कैसे हो भाई, बिग फैन, कस्टमर फैन भी है। तकरीबन कोई ये वाले ऑर्डर में हमें हुआ है फायदा कितने का, 50-60 रुपए, 50-60 रुपए, 50-60 ऐड करो, 250 रुपए कमा लिए 3 ऑर्डर में, कितने कमाए, 250 में से 400 माइनस करो तो क्या ही भैया, लॉस ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं हम लोग, 100 रुपए का पेट्रोल जो डलवाया, 100 रुपए का पेट्रोल अलग। अब मेरे पास एक आइडिया है, अब अपने दोस्त पे हम करने वाले हैं प्रैंक, आप जाओगे ऑर्डर लेके, उसको बोलना आप ये भाई आपने ऑर्डर किया था, उसने नहीं ऑर्डर किया लेकिन फिर भी हम बोलेंगे किया था, और वो होगा 2,000 का ऑर्डर, और देखते उसका क्या रिएक्शन होता है, वो बोलेगा मैंने किया ही नहीं। चलो अब वहाँ पे डिलीवरी बॉय के हमने माइक लगा दिया और उसको मैंने रास्ता बता दिया, जाके उसने खटखटाया और काफी देर तक तो वो खड़ा रहा, लेकिन उसके बाद देखो फूड बन रहा, भाई तुम्हारा ही ऑर्डर है, तुम्हारा ही ऑर्डर है, अबे क्या भाई 2,000 रुपए का ऑर्डर है, इधर तो आओ, अबे भाई इधर तो आ, हमारा ही ऑर्डर है भाई। वैसे मैंने ऑर्डर कर दिया, ये प्रैंक नहीं है, ये आ चुका है, मैंने ऑर्डर कर दिया तेरे नाम पे, खड़ा हुआ पैसे निकालो, आप पैसे देंगे ना भाई, पैसे देंगे दो, गेट तो खोलो भाई, भाई पैसे क्या नहीं है, वो आ गया, पैसे क्या, पैसे दे दो दो यार, ये क्या बात है भाई, ये क्या है भाई, वो FIR कटा देंगे, वो ऐसे नहीं जाने देंगे। करवा दे भाई।
चोरी का इल्जाम लगा देंगे, बोलेंगे पैसे नहीं, मारेंगे वो। क्या बोलूं फिर, मैं पढ़ रहा हूं अभी यार। वो अब आ गए हैं, पैसे तो दे दे उनको। किस चीज के पैसे दे दूं? ऑर्डर है ना, ऑर्डर तो दिखा दे। तो यार ऑर्डर दे दो, ऑर्डर दे दो। कैसे बंदे को लेके आए हो? कैसे बंदे को क्या मतलब, वो पांडा वाला है भाई, वो प्रैंक करने, प्रैंक करने के लिए प्रैंक नहीं, प्रॉपर वो देखना, देखो तो क्या है क्या अंदर। वो आपको बाद में दिखाएंगे, पैसे तो दे दो। पैसे तो दे दो भाई, पैसे देते हो तो चीज मिलती है ना। पहले तुम्हें चीज दे दे, तुम फिर भाग जाओ। जो मांगा पहले भी हो चुका है, पहले भी तुमने यही किया था। और वो बोल रहे पहले भी मैं आया हूँ इसी घर में और ये हुआ था। अगर बंदा ऐसे पैसे नहीं देता अब आप क्या करोगे? क्या करेंगे, कैंसिल करवाएंगे और क्या करेंगे? कैंसिल करवाएंगे तो फिर क्या होगा? कुछ भी, पुलिस आएगी इसके पास ना। हो सकता है आ जाए पुलिस, आएगी भाई ये सब, क्योंकि ये कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ऑर्डर करके पेमेंट नहीं कर रहे। फ्रॉड देख लेंगे क्या, पुलिस को देख लोगे? ये देखो भाई आप कैंसिल कर दो और बस पुलिस भेज दो इसके पास। कंप्लेन भी कर रहे हैं ये कस्टमर सर्विस। भाई डिलीवरी कर करके तो थक गए, बहुत पसीने छूट गए, दोपहर से कर रहे हैं और अभी इफ्तारी में कोई 10 मिनट रह गए, तो अपने लिए कोई इफ्तारी के लिए चीजें ले लेते हैं, समोसे रोल वगैरह, जाके बैठ के अब सुकून से खाते हैं यार, सांस तो लें खुल के। थक गए यार कसम से भाई, समोसे वगैरह भिजवा देना ऊपर से। आज के दिन की हमारी जो पेमेंट बनी है उन 3 ऑर्डरों की 195 रुपए, 195 रुपए मतलब कितने हो गए? 200 रुपए से 5 रुपए कम। अजाने भी हो गई हैं इफ्तारी के टाइम, इसमें हमारा पेट्रोल भी गया है, पेट्रोल भी गया है, तो मतलब बचता इतना नहीं है। रमजान में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा ना, आप बोले रमजान में, क्योंकि लोग इफ्तारी के टाइम पे नहीं करते इतना ऑर्डर, क्योंकि रोजा होता है लोगों का, दिन में तो करते ही नहीं है। और खैर अभी हम इफ्तारी कर लेते हैं, हम घर से भी काफी दूर थे, इधर उधर इफ्तारी करना पड़ा। मतलब ये भी चीज होती है कि फूड पार्टनर वालों को मतलब कहीं भी इफ्तारी भी करनी हो सकती है, कभी बड़ा ऑर्डर लग गया, कभी दूर का घर नहीं पहुंच पाए, तो कहीं भी इफ्तारी करनी पड़ सकती है। तो भाई आज का चैलेंज हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, इफ्तारी भी कर ली और चैलेंज भी हमने पूरा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुश्किलें जो भी आई वो तुम लोगों ने देख ही ली, और एक डिलीवरी राइडर की भी लाइफ तुमने देख भी ली, क्या क्या मसले मसाइल आते हैं। मोबाइल भी छिन सकता है कभी भी, कोई भी मसला हो सकता है यार, बाइक भी इनकी अपनी होती है, बाइक भी छिन सकती है। तो भाई आपने बहुत खतरनाक काम कर दिया है, मतलब यार आप रोज करते हो हमारी तो कुछ ही टाइम में हालत टाइड हो गई। हमने बोला यार कैसे करेंगे, क्या मसले आ रहे हैं, बंदा गिव अप कर देता है। हमारी तरफ से आपके लिए सही है, आप ये रख लो, बहुत मेहनत वाला काम है ये और आसान नहीं है। अप्रिशिएट करो उन लोगों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करो जो भी राइडर्स वगैरह होते हैं। और इनका भी चैनल है बता रहे हैं भाई, क्या नाम है आपके चैनल का? स्टार एक्स नूब्स ऑफिशियल, लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, भाई को सब्सक्राइब कर लेना।